हेलो नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन है वो आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और फेसबुक के पेज पे, तो आई होप आपको वहाँ पे कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। और क्वेश्चन है वो आज के करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, कल का क्वेश्चन था वो अलग था, बट एक्चुअली आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा वो मैंने आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में वहाँ से क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो एक आर्टिकल आया है वो मेनली आया है एग्रीकल्चर के बारे में, और उससे पहले छोटा सा दो तीन पॉइंट है एक आर्टिकल के वो हम देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश चाइना के बारे में। तो उस आर्टिकल में एक दो पॉइंट ये हैं, इंपॉर्टेंट इतना नहीं आपको बता दूं, फिर भी नोट्स वगैरह तो बनाने हैं नहीं उसके। उस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई भी जो चाइना के जो प्रधानमंत्री है ना जी जिनपिंग साहब, वो एक्चुअली ये चाहते हैं कि भाई उनका कार्यकाल है ना वो 2 साल, 2 बार से ज़्यादा 3 बार वो अपॉइंट है वो हो जाए। क्योंकि देखो अभी चाइना में ये प्रावधान है कि कोई भी जो राष्ट्रपति साहब है वो एक बार से दोबारा, 2 बार से तीसरी बार नहीं बन सकते, मतलब 2 ही बार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, तीसरी बार नहीं बन सकते। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए वो चाहते हैं कि भाई चेंजेस कर दिया जाए ये रूल। मतलब साफ ये है कि वो अपनी सत्ता वो लगातार काम अगर आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि भाई अमेंडमेंट कर दिया जाए वहाँ के संविधान में, और उसके बाद कहें कि राष्ट्रपति कभी तक कंटिन्यू वो बने रह सकते हैं। तो जिसकी वजह से होगा कि तीसरी बार भी इलेक्ट होते हैं, चौथी बार भी, जबकि इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इंडिया में तो आपको पता है कि कितनी भी बार राष्ट्रपति है वो बन सकता है कोई एक आदमी, जबकि चाइना में भी अभी तक ये प्रावधान है कि कोई भी एक आदमी हो 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। तो उसको लेकर उस आर्टिकल में 2-3 पॉइंट आए, तो इतने है नहीं कुछ बाकी काम का, तो चलते हैं। कुछ लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो एक्चुअली सेंट्रलाइज पावर कर रहे हैं अपने पास और वो एक्चुअली तानाशाह वगैरह किस तरीके बनने जा रहे हैं, टीसी वगैरह कुछ पॉइंट्स है, तो वो देखो कुछ काम नहीं। आगे चलते हैं हमारे मेन आर्टिकल। आज का जो हमारा मेन आर्टिकल है सबसे अच्छा है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी डिस्ट्रेस है, जो तनाव है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं और क्या वो स्टेप सफिशियंट हैं या नहीं है। इस आर्टिकल में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो GS3 के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होंगे और GS2 में भी कुछ पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट कर देते हैं इसी के मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहले आर्टिकल में ये कहा गया है कि भाई देखो गवर्नमेंट ने 2018-19 के बजट में कुछ प्रावधान बहुत अच्छे किए हैं, बट कहीं ना कहीं कमियाँ वो छोड़ दी है, मतलब पहले अच्छाई गई है उसके बाद में कमियाँ भी बताई गई है। देखो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट ने जो प्रावधान है, जो पॉलिसी वगैरह लेके आने की बात की ना 2018 के इस बजट में, काफ़ी चुनौती भरा टारगेट है। एक तो वो मतलब गवर्नमेंट को काफ़ी चुनौती, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, तब जाके वो टारगेट हैं वो अच्छी होंगे, मतलब बहुत सी दिक्कत आने वाली है गवर्नमेंट को। और दूसरी बात रही रिजल्ट की, राइटर कह रहे हैं देखो रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितने की जरूरत है। देखो ध्यान से सुना, ये कहना कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा कि जितने की जरूरत है, मतलब रिजल्ट अच्छा तो रहेगा बट जो किसानों की पूरी डिमांड हो, पूरी डिमांड यहाँ पे फुलफिल है वो नहीं हो रही, मतलब किसानों की पूरी डिमांड है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। अब देखो 2-3 पॉइंट यहाँ पे मुद्दे देखते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात आती है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP की। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो बजट में ये प्रावधान किया गया कि भाई जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब किसानों की लागत है, उससे 50% ज़्यादा MSP रहेगी। जैसे कि 2000 किसानों की लागत रही है तो जो MSP है वो 3000 रुपये रखी जाएगी ताकि किसानों को लॉस है वो नहीं हो। बट राइटर यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि भाई जो प्रोडक्शन ऑफ जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब लागत कितनी, लागत किस आधार पर निकली जाएगी, लागत के कौन से पैमाने होंगे। क्योंकि देखो अभी हमारे देश में जो किसानों के लिए जो फसल्स होती है उसके जो दाम है वो निर्धारित किए जाते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। और ये जो कमीशन है, ये कमीशन मैंने 3 पैरामीटर यूज़ करता है। कौन कौन से पैरामीटर है वो, सबसे पहला पैरामीटर है वो है A2, दूसरा पैरामीटर का नाम हुआ है A2+FL, तीसरा पैरामीटर है वो C2। तो एक एक करके हम देखते हैं। A2 पैरामीटर में ये प्रावधान होता है MSP डिसाइड करने के लिए कि भाई किसानों का खर्चा कौन सा, मतलब तो किसानों ने कैश में पेमेंट कौन से, कैसे कोई खाद खरीदी, कोई बीज खरीद लिया, इस टाइप का जो खर्चा वो होगा कैश खर्चा। दूसरी बात इन काइंड खर्चे वो होते हैं जैसे किसान ने क्या किया कि हाँ भाई ठीक है तुम मेरे यहाँ पे गेहूं थोड़े हैं, गेहूं वगैरह निकलवा देना, मैं तेरे को 2 क्विंटल गेहूं दे दूंगा। तो मतलब इससे बार्टर सिस्टम एक टाइप होगा, तो होगा इन काइंड वाला, तो ये होगा दूसरे तरह का खर्चा। तो इन दोनों खर्चों को काउंट किया जाता है A2 सिस्टम में। दूसरा पॉइंट आता है वो होता है A2+FL। A2+FL सिस्टम में ये होता है कि जो ये A2 वाला सारे मुद्दे है ना कि केस खर्चा और इन काइंड वाला, ये तो इंक्लूड है ही है। इसके बाद में दूसरा होता है कि भाई जो फैमिली की लेबर होती है, मतलब किसान है ये तो यानी कि अकेला पूरी मेहनत करेगा, उसकी फैमिली के लोग भी लेबर करें तो उनको भी तो खर्चा वगैरह कुछ हुआ ना, उस खर्चे को अगर काउंट किया जाता है तो होती है A2+FL का मतलब फैमिली लेबर। तीसरा आता है C2। C2 में ये प्रावधान आता है कि भाई A2 वाला मुद्दा भी इंक्लूड है और FL भी, मतलब A2+FL भी है और इसके बाद में हो गया C2। C2 में तीसरा पॉइंट क्या ऐड है, C2 में दो चीज़ें ऐड की गई एक्स्ट्रा, वो की गई एक तो लैंड का करके, भाई कई बार किसान क्या कि लीज वगैरह पे काम करते हैं किसान जमीन वमीन लेके, तो जो जमीन किराए पे लिए तो उसका किराया भी देना पड़ा उनको, तो किराया भी उस कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड करो। इसके साथ ही किसान कई बार लोन वगैरह लेते हैं तो उस लोन की किस्त वो भी उसमें इंक्लूड की जाए। अब यहाँ पे इश्यू आता है सामने उभर गए कि गवर्नमेंट क्या चाहती है और किसान क्या चाहते हैं। किसान ये चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट
सीटू के बेसिस पे काउंट किया जाए, क्योंकि देखो सीटू में ज़्यादा कवरेज आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट है वो किसानों के बीज वगैरह को भी फोकस कर रही है, किसानों के इनक्रैंड खर्चे को भी इंक्लूड कर रही है, इसके साथ ही जो फार्मिंग लेबर है फैमिली लेबर है उसको भी इंक्लूड कर रही है, और इसी के साथ में लैंड का किराया भी इंक्लूड कर रही है और लोन की किस्त वो भी इंक्लूड कर रही है। मतलब किसान ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट सीटू को मद्देनजर रखते हुए कॉस्ट प्राइस रखे, जबकि गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि A2 और FL को, A2 प्लस FL को फोकस किया जाए। तो इसकी वजह से दोनों में मतभेद है और इसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो वही बात है कि गवर्नमेंट तो कम पैसा दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई किसानों की कोष पैसे वो तो 200 रुपये ही, फॉर एग्जाम्पल मतलब गवर्नमेंट तो चाह रही है कि 200 रुपये है, जो गवर्नमेंट है वो किसानों का लोन वगैरह को किराए को एड्रेस ही नहीं करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं किसानों को लॉस होने वाला है। तो ये बात राइटर कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट को किसानों के हितों को अगर पूरे सेटिस्फाइड करना है तो गवर्नमेंट को पॉलिसी ढंग से लेके आनी होगी। इसके बाद में राइटर एक बात और कह रहे हैं कि चलो अच्छी बात है गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया है, बट यहाँ पे एक बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले स्टार्टिंग तो करनी चाहिए। देखो वैसे तो सारा काम वो होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट एक अच्छी शुरुआत करेगी तो उससे क्या होगा कि स्टेट भी फिर मोटिवेट होंगे और स्टेट भी एक तरीके से आपस में कॉम्पिटिशन है वो बनेगा। और दूसरी बात यहाँ पे एक पॉइंट आता है, वो आता है भावांतर भुगतान योजना का। भावांतर भुगतान योजना वो मैंने MP से स्टार्ट की थी, मध्य प्रदेश से, और इसे हरियाणा में भी कुछ फसलों वगैरह के लिए लागू किया गया था। भावांतर भुगतान में ये होता है भाई किससे MSP हो गई किसी फसल की, जैसे आप एग्जाम्पल लोगों गेहूं की MSP है वो रखी गई है 1000 रुपये की, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 1000 रुपये MSP है गेहूं की, चलो इस पर MSP का मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मतलब गवर्नमेंट 1000 रुपये में खरीद लेगी कोई भी 1000 रुपये तो उसकी कम से कम प्राइस है। बट कई बार क्या होता है कि जो दुकान वाले जो लोग होते हैं ना, व्यापारी वगैरह होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपना ग्रुप बना लेते हैं एक से कार्टल वगैरह ऐसा कि हाँ भाई कोई भी किसान आए हम तो है ना हम तो उससे 700 रुपये से ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, 700 डिसाइड कर लेते हैं कि 700 ज़्यादा उसको गेहूं की प्राइस नहीं देनी है। तो उस कंडीशन में आप जानते हो कि MSP है 1000 रुपये और जबकि व्यापारी खरीद रहे हैं 700, मतलब किसान को 300 का लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहते हैं कि कोई बात नहीं अब जहां भी बेच दो 300 रुपये है वो हम आपको दे देंगे, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है 300 रुपये का वो गवर्नमेंट पे कर देगी। तो इसको कहते हैं भावांतर भुगतान योजना। तो काफ़ी अच्छी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के स्टोर सब जगह नहीं होते हैं, गवर्नमेंट की ऐसा तो है नहीं कि जगह जगह गवर्नमेंट के स्टोर है तो वहाँ पे जाके किसान चीज़ें बेच सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कि भी आप कोई बात नहीं प्राइवेट को भी बेच दो, पर जो डिफरेंस जो गैप आ रहा है 300-400 जो भी आप अमाउंट बनेगी वो किसान को पे कर दी जाएगी। तो ये भावांतर भुगतान योजना। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट का प्रावधान रखा गया इसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, तो उससे पहले तो अच्छा काम ही होगा कि सभी स्टेट वो इस तरह भावांतर भुगतान योजना जैसी स्कीम को आगे लेके आए। इसके बाद में बात आती है कि रूरल हार्ट को, कि देखो इस बार के हमारे बजट में एक अच्छा प्रावधान किया गया कि रूरल हार्ट है इनको ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये एक तरह से आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि भाई जैसे रूरल हार्ट का मतलब कि छोटे तरीके की प्रदर्शनी वगैरह, छोटा सा मार्केट लगता है ना, जैसे कि शहरों वगैरह में लगता है कि फ्राइडे मार्केट सैटरडे मार्केट, उस तरीके का छोटा सा मार्केट मान लो उसको थोड़ा क्या बड़ा मार्केट बना दिया जाएगा ताकि वहाँ पर ज़्यादा एक्सेस हो, ज़्यादा क्वालिटी वगैरह में, तो वो गवर्नमेंट चाहती है, इससे किसानों को फायदा होने वाला है। अगली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, राइटर कह रहे हैं वो कि देखो असली जो हीरो है इस काम के वो तो है स्टेट, मतलब सारा काम स्टेट को ही करना होगा, सबसे अहम काम आता है वो होता है भाई स्टेट को एम्पावर करना होगा। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लेके आनी होगी कि स्टेट है वो खुद एम्पावर हो और उस तरीके से वो एक्शन लें। इसके बाद में बात आती है कि जो इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है उसको भी गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में 10 लाख से 11 लाख कर दिया, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है वो उठाया गया है। इसके बाद में 2-3 पॉइंट और आते हैं, 2-3 पॉइंट यहाँ पे जो राइटर कह रहे हैं कि भाई ये 2-3 पॉइंट तो गवर्नमेंट ने मिस कर दिए इस बजट में, वो कौन कौन से पॉइंट आते हैं। वो बात ये आती है कि देखो हमारे देश में जो खेती होती है ना उसका 52% जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 100 एकड़ में खेती होती है हमारे देश में, तो 52 एकड़ खेती के अंदर तो जो बारिश की वजह से खेती होती है, मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड होती है 52% खेती, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। अच्छी इसलिए नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बारिश इनरेगुलर होती है, क्लाइमेट का काफ़ी बड़ा इश्यू है, तो ऐसे माहौल में अगर बारिश के ऊपर निर्भरता रहेगी इतनी बड़ी खेती की तो कहीं ना कहीं किसानों को लॉस होने वाला है। बट राइटर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ इतना किया नहीं है, और गवर्नमेंट कुछ अच्छे 1-2 पॉइंट लेके वो लेके आए कि हर खेत में पानी और सोलर पंप जैसी स्कीम है वो लेके आई है। राइटर कह रहे हैं कि अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं बात ऐसी आ रही है कि सरकार खुद ही कंफ्यूज हो रही है कि भाई वो कर क्या रही है, क्योंकि देखो एक साइड सरकार क्या कहती है कि भाई ग्राउंड वाटर है उसका कम से कम यूज है वो किया जाए, दूसरी साइड सरकार है खुद ही सोलर पंप बांट रही है, तो सोलर पंप बांटेगी तो सोलर पंप ये तो है नहीं कि कोई हवा से पानी खींचेंगे, वो भी ग्राउंड वाटर को पानी क्योंकि खींचने वाला है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ग्राउंड वाटर का ही एक तरह से एक्सप्लोटेशन हो रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट खुद कन्फ्यूज हो गई गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए। बाद में राइटर कहते हैं कि गवर्नमेंट को फसल बीमा योजना है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जो फसल बीमा योजना में कुछ कमियां रह गई हैं थोड़ी बहुत, और उन कमियों को दूर करना चाहिए और अच्छे स्टेप वो लेके आने चाहिए। इसके बाद में बात आती है, वो आती है कि भाई टेक्नोलॉजी हुई, आपदा हुई, इसके लिए भी गवर्नमेंट को स्टेप होना चाहिए। लास्ट में एक अच्छा सुझाव ये देता है कि देखो अभी हमारे देश में GDP का बहुत कम हिस्सा है, मतलब 0.05% का जो हिस्सा है अप्रोक्सीमेट वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर में, सॉरी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा
एनवायरमेंट मिलता है, तो क्यों ना इस दिशा में रिसर्च एंडोलमेंट बढ़ाया जाए ताकि सूखा फ्री खेती हो, जैसे बीज ऐसे बनाए जाएँ कि उनमें कम पानी की जरूरत हो, कम समय में वो अच्छी क्वालिटी दें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। तो उन सारी रिसर्च की तरफ गवर्नमेंट को फोकस है, वो करना होगा। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मेरे लिए साइंटिफिक टेंपर के बारे में है। साइंटिफिक टेंपर है क्या, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं है। मतलब अंधविश्वास वाला सीन की बात है कि भाई देखो अभी भी हमारे देश के अंदर अंधविश्वास है वो जारी है। जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अब काम अच्छा नहीं होगा, बरमूडा ट्रायंगल है वहाँ पर कोई भी जहाज जाता है तो डूब जाता है, वहाँ पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जैसे कि सोलर इक्लिप्स होता है उस कंडीशन में ऐसा मानते हैं लोग कि भाई फ्रीज में रखा हुआ खाना वो खराब हो जाता है, उसके ऊपर गोबर लगा देते हैं तो फ्रीज के ऊपर तो खाना खराब नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अंधविश्वास हैं। तो साइंटिफिक टेंपर के बारे में बात आती है, तो यहाँ पे देखो काफी सारे पॉइंट्स हैं वो देखेंगे हम एक एक करके। इसके बारे में हमने एक आर्टिकल पर डिस्कस भी किया था अप्रोक्सीमेट 15-17 फरवरी के आसपास, तो उस आर्टिकल में भी जो कुछ पॉइंट्स थे उन्हीं को यहाँ पे अच्छे ढंग से और बताया गया। यहाँ पे केस हिस्ट्री भी आई है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो राइटर ये कह रहे हैं कि जो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये अंधविश्वास है, इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए और किस तरीके से इनको रोका जाए, ये काफी बड़ी चुनौती है। फिर राइटर कह रहे हैं कि देखो बात ऐसी है कि सरकार हो कानून बना के कुछ नहीं कर सकती है, इस तरीके मतलब सरकार के कानून एक लिमिट के बाद काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सरकार वो लोगों के घर के अंदर नहीं घुस सकती। देख सरकार ने कानून बना दिया कि हाँ भाई ठीक है कोई भी आदमी है बिल्ली रास्ता काटने के बाद ऐसा नहीं करेगा, तो किसको पता कि बिल्ली रास्ता काटती है कि नहीं, सरकार कहां तक निगरानी रखेगी इस चीज की, मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो वही बात यहां पर राइटर वगैरह किसी ने कह दिया कि हाँ भाई छींक दिया तो बाहर नहीं जाना है, काम अच्छा नहीं होगा, आप सुकून होगा, तो वो सारी बातें राइटर करके गवर्नमेंट लोगों के घर के अंदर तो नहीं घुस सकती ना उनकी पर्सनल लाइफ में, मतलब गवर्नमेंट लोगों का माइंड सेट चेंज नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 1970 का कि भाई 1970 के अंदर चिगलो साहब जो चिलोक साविया था उसकी बात जाती है कि भाई उसने उसमें ये हुआ था कि यूएसएसआर ने हस्तक्षेप किया था और उसने वहाँ पे जो अंधविश्वास थे उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। बट चिकोस्लावे में सीन ऐसा हुआ कि जो ही यूएसएसआर था मतलब जो रसिया था वो चिकोस्लावे से बाहर गया, बाहर जाते ही चिकोस्लावे के लोगों ने वापस चोरी छिपे काम वो जारी रख दिया। मतलब क्या हुआ कि यूएसएसआर था वो लोगों की भावनाएं थी उनको चेंज नहीं कर पाया, लोग काम चोरी छिपे कंटिन्यू रख रहे थे। तो वही बात है कि इंडिया में गवर्नमेंट कानून बना लेगी तो क्या है, लोग चोरी छिपे तो काम जारी रखेंगे, इस तरीके अंधविश्वास है, और ऐसे में अंधविश्वासों को और ज़्यादा गति मिलेगी, कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में बहुत अच्छा पॉइंट आता है, वो ये आता है राइटर ये कह रहे हैं कि भाई देखो बात ऐसी है कि हमें लोगों को विचार है ना, मतलब गवर्नमेंट को लोगों के विचार है उनको समझना होगा और उनके फिर अंदर से चेंज करना होगा। जैसे गांधी जी कहते थे ना कि लोगों को अंदर से चेंज कर दो, वही बात है कि लोगों को पहले समझना होगा कि भाई हाँ किस तरीके लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, लोग किस रीजन की वजह से ऐसा काम कर रहे हैं। पहले तो हमें वो रीजन आइडेंटिफाई करना होगा, फिर लोगों को हमें अंदर से चेंज करना होगा, मतलब अंदर से डिमांड लानी होगी हाँ भाई मुझे ऐसा काम नहीं करना है, ना कि हमें फोर्सफुली थोपो ना कि हमें फोर्सफुली उनके ऊपर कानून बना के थोप देना है कि हाँ भाई आपको ऐसा नहीं करना है, तो वो कानून प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। बल्कि हमें ये अच्छा स्टेप उठाना होगा कि भाई अंदर से उन लोगों को चेंज किया जाए, तो उसके लिए काफी सारे स्टेप उठाने होंगे। बाद में केस स्टडी आती है एक हिप्नोटाइज का, उसमें मेनली है दो पर्सन है, एक पर्सन ये कह रहा है कि भाई मेरे को दूसरे पर्सन के द्वारा हिप्नोटाइज किया जा रहा था। अब हिप्नोटाइज किया जा रहा था जबकि वो ए पर्सन कह रहा है कि भाई मैं हिप्नोटाइज बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बट फिर भी मैं क्या कि और लोग बैठे थे ऑडिटोरियम वगैरह में तो मैं क्या कि मजे लेने के लिए कह रहा था कि हाँ मैं हिप्नोटाइज हो रहा हूँ। बट एक लिमिट के बाद सीन ऐसा हुआ कि लास्ट में वो मेरे को जो हिप्नोटाइज करने वाला पर्सन था उसने ऐसे बोल दिया कि हाँ भाई ठीक है अब आप पूरे ऑडिटोरियम के चक्कर लगा के आप चेयर पर बैठोगे। बट जो हिप्नोटाइज हो रहा जो पर्सन हो ही नहीं रहा था हिप्नोटाइज, वो ये कह रहा है कि मैंने क्लियर ये बोल दिया कि हिप्नोटाइज नहीं हो रहा हूँ मैं नहीं बैठूंगा। बाद में वो कह रहा है कि मुझे अंदर से ऐसा फील होने लगा यार अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा, तो सोचा कि क्यों ना लोगों को भी मजा आ रहा है और मैं भी एक स्टेडियम के चक्कर मतलब जो हमारा कॉरिडोर वगैरह इसके चक्कर लगा के फिर सीट पे बैठ जाता हूँ ताकि लोग भी और खुश होंगे और मेरे को भी मजा आएगा और ये भी खुश हो जाएगा, तो क्यों मैं किसी की भावना की हर्ट करूँ, तो मुझे चक्कर काटने में क्या बुरी बात है। मतलब वो अंधविश्वास को फॉलो नहीं कर रहा था बट उसके बाद भी उसने लोगों के मजे के लिए कि चल कोई बात नहीं मेरा क्या बिगड़ रहा है एक चक्कर तो मैं काट लेता हूँ, और उसने एक चक्कर काट के वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। तो उससे क्या लगा लोगों को कि हाँ भाई इस एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हिप्नोटाइज किया, बट रियल में वो हिप्नोटाइज हुआ नहीं था, बस बिल्कुल जानबूझ के फॉलो कर रहा था कि हाँ ठीक है क्यों किसी की भावनाओं को हाथ करें। तो वही बात राइटर कह रहे हैं कि देखो लोग हैं ना हमारे देश में ऐसा ही कुछ सीन है कि लोग सोचते हैं कि यार क्यों किसी को नाराज करें, ठीक है कोई आदमी चल रहा है ऐसा चलने दो हमारा क्या बिगड़ रहा है, अगर हमें नुकसान हो तो हम कुछ एक्शन भी लें, इससे हमारा कुछ नुकसान होने नहीं रहा, जो लोग खुश हैं उनको खुश रहने दो उनका रोजगार चल रहा है। तो वही बात यहाँ पे राइटर थे वो डिस्कस की गई है। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मेरे स्टैंडिंग के बारे में, इस आर्टिकल में क्या पॉइंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टंटिंग के बारे में क्या है वो देखते हैं। देखो स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी बच्चा होता है उसकी जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट है नहीं बढ़ पाना, मतलब बच्चा होगा 10 साल का बट उसकी हाइट है वो 10 साल से के एज के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, मतलब 2 साल के बच्चे की अकॉर्डिंग उसकी हाइट है तो वो अच्छी बात नहीं, उसको कहते हैं स्टंटिंग की प्रॉब्लम। तो इसके बारे में हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था अभी कुछ टाइम पहले ही, आई थिंक 17 फरवरी के आसपास ही, उसमें था वास इंटरवेंशन की। 15 फरवरी को जो आर्टिकल डिस्कस था वास इंटरवेंशन का, उस आर्टिकल को यहाँ पे जस्ट अपोजिट पॉइंट दिखे। देखो उस दिन के आर्टिकल में क्या थे, उस दिन के आर्टिकल में ये पॉइंट आए
थे कि भाई वॉस इंटरवेंशन से अच्छे रिजल्ट वो नहीं आने वाले, मतलब वॉस इंटरवेंशन है वो स्टैंडिंग की प्रॉब्लम का समाधान नहीं है। और आज के राइटर ये कह रहे हैं कि भाई स्टैंडिंग का समाधान है वो वॉस इंटरवेंशन के द्वारा है। तो उस दिन के नेगेटिव पॉइंट थे और आज उसके जो अपोजिट पॉइंट है वो दिया जा रहा है, मतलब जो उस दिन के आर्टिकल था उसके जस्ट अपोजिट है। तो एक बार आप उस आर्टिकल को रिवाइज कर लेना, फिर आपको दोनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे और दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना ताकि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स लिखने के लिए मिल जाएंगे। 15 फरवरी वाले आर्टिकल में देखो बात ऐसी की गई थी कि भाई वॉस इंटरवेंशन से ज़्यादा कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्होंने केस स्टडी दी थी केन्या और बांग्लादेश की कि भाई केन्या और बांग्लादेश में उन्होंने वॉस इंटरवेंशन को फॉलो किया था बट रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं है इस चीज़ से, फालतू और ड्रामा ये सब है। बट आज के राइटर ये कह रहे हैं कि देखो वॉस इंटरवेंशन है ना, उसका रिजल्ट है वो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम में मिल जाता है, मतलब एक जनरेशन के बाद रिजल्ट मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ में, क्योंकि वॉस इंटरवेंशन का मतलब क्या कि सफाई वगैरह से क्या तुरंत रिजल्ट नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है भाई, थोड़ा गैप दो आप तभी तो रिजल्ट आएगा। तो उसका रिजल्ट है वो सेकंड जनरेशन में देखने को मिलता है। दूसरी बात यहाँ पे आती है वो आते हैं इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि देखो कई बार क्या होता है हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह कुछ घुसते हैं ना, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी पे जलन वगैरह होने लग जाती है। तो वो अगर जलन बढ़ती है ना, तो इसका मतलब साफ साफ कि हमारी बॉडी पे अटैक हो रहा है। और आपको पता है कि अगर बॉडी में कहीं ना हमारी स्किन के ऊपर कहीं ना कुछ गंदगी वगैरह कुछ होगी, मतलब कोई ना कोई अनहाइजेनिक कंडीशन होगी, उसी कंडीशन में हमारी बॉडी में बैक्टीरिया घुसेगा, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली वॉस इंटरवेंशन यहाँ पे हस्तक्षेप करिए। तो राइटर इन दो तीन पॉइंटों के आधार पर कह रहे हैं कि भाई वॉस इंटरवेंशन है वो एक्चुअली स्टंटिंग की प्रॉब्लम का समाधान है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है वो काफ़ी सफल होगा, क्योंकि उसका जो मेन मोटो है स्टंटिंग की प्रॉब्लम से समाधान वो भी हो जाएगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट डिस्कशन। एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने चाइना का आर्टिकल की डिस्कस किया कि भाई चाइना की जो भी प्रेसिडेंट है वो चाहते हैं कि भाई ठीक है वहाँ पे जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है वो दो बार से ज़्यादा भी हो सके ताकि इश्यू ना हो, एक आदमी है वो तीन चार बार जितनी बार प्रेसिडेंट है वो बन सके। तो उसके बारे में देखे कि भाई वहाँ पे आरोप लग रहा है कि वो सेंट्रलाइज है, मतलब अपनी सारी पावर वो अपने अंदर समा रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स आए थे। इसके बाद में काफ़ी अच्छा आर्टिकल था एग्रीकल्चर सेक्टर में तनाव किस तरीके का चल रहा है, गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में कैसे स्टेप उठाए और किस तरीके के हमें एक्शंस लेने, क्या क्या कमियाँ सुझाव भी यहाँ पे दिए गए। इसके बाद में साइंटिफिक टेंपर वाली बात आई थी कि भाई विश्वास हमारे सोसाइटी में किस तरीके से चल रहे हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है, और केस स्टडी भी हमने डिस्कस की। और सबसे अच्छा केस जो पॉइंट था वो यही था, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई हमें लोगों के दिमाग को चेंज करना है तो सबसे पहली बात है कि हमें लोगों के विचार को समझना होगा, उनके आइडियाज की रिस्पेक्ट करनी होगी, फिर हमें अंदर से उनको चेंज करना होगा कि भाई वो लोग ऐसे अंधविश्वास में बिलीव क्यों कर रहे हैं, हमें वो रीजन आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे उनके मन को चेंज करना होगा। जैसे कि हमारे देश में सती प्रथा की बात थी, देखो सती प्रथा को लोगों को बैन करने के लिए उस टाइम पर जो समाज सुधारक थे उन्होंने क्या स्टेप उठाया था, उन्होंने ऐसे तो स्टेप उठाया था कि लोगों को सबको समझाया पकड़ के कि भाई देखो बात ऐसी है, आप एक इंसान की जान ले रहे हो, किसी लड़की मतलब किसी फीमेल को आप जानबूझ के जला रहे हो, जब ये मानवता के खिलाफ है, तब लोगों को धीरे से वो रीजन समझाया गया था, तब लोगों ने सती प्रथा को धीरे धीरे रोका था। तो वही बात है कि गवर्नमेंट को एक चीज़ कानून बना के समाधान नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को कुछ हस्तक्षेप है वो लोगों के माइंड को चेंज करना होगा। इसके बाद हमने स्टंटिंग के जो प्रॉब्लम का देखा था आर्टिकल वॉस इंटरवेंशन के बारे में, वो सारे पॉइंट देखे कि भाई इससे क्या क्या समाधान है वो हो सकता है। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, वो जो क्वेश्चन है वो मैं एक्चुअली वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, जो PDF है वो आपको अभी मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी दो तीन दिन के बाहर हूँ तो इस वजह से तो स्क्रीन थोड़ा टाइम डिले वगैरह हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।